समाचार में संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पड़ोसी में विवाद, तीन पर जानलेवा हमला। कार चालक की दबंगई को कुचला, युवक को मारी टक्कर। वैलेंटाइन डे का विरोध किया हिंदूवादी संगठनों ने। हटा विधायक के विरोध में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। ये थे दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया थाने की जीरा चौकी की, जहां एक बड़ी घटना घटी है। तीन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें दो लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। जीरट चौकी अंतर्गत ये बड़ा मामला सामने आया, जहां पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद की बजाय गाली देना बताया जा रहा है। पूर्वी की रंजिश भी रही है, जिसके बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। पड़ोसी काफी अधिक थे, जिसके चलते उनके द्वारा तीन लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। एक युवक के गुप्तांग में बल्लम से हमला किया गया, दूसरे युवक के सिर में कुल्हाड़ी मारी गई और तीसरे युवक के पैर में कुल्हाड़ी मारी गई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दो की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। एएसआई संजय सिंह घायलों के साथ दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, उनके बयान दर्ज किए, मामले में कार्रवाई की बात की। हालांकि अब तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह ठाकुर। इनका? नारायण सिंह ठाकुर। क्या हो गया? कुलरिया हमारी है। किसने किसने? नरेंद्र। कहाँ पे हो? मैं नापुर से हूँ। कहाँ की बात है? ग्राम जी रख। रिपोर्ट हो गई? हाँ रिपोर्ट हो गई। क्या नाम है आपका? भुवन सिंह। और ये साथ में जो आप? साथ में हमारे भाई है, बड़े भाई। क्या हो गया? हमको लाठी से गेट खोल के मारा। कौन लोग? कौन लोग? बड़े भाई की बात नहीं। कौन लोग थे जिसने मारा है तुमको? राघवेंद्र, गोलू, नरेंद्र, हल्ले, तीनों लोगों ने मारा, चारों लोगों ने मारा। कहाँ की बात है? ये हमारे घर के बगल की बात है। गाँव कौन सा है? जीरट गाँव। जी सर। घटना काफी बड़ी है। जीरट चौकी अंतर्गत अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। फुटेरा चौकी अंतर्गत मेडिकल संचालन करने वाले रामपिता किशोरीलाल असाटी अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि बीच रास्ते में अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई। दमोह जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया था, जहां से जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है फुटेरा में मेडिकल स्टोर का संचालन करने वाले गंगाराम पिता किशोरीलाल असाटी, उम्र 65 वर्ष, जो कि दमोह से वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में अचानक से बाइक स्लिप हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस के द्वारा एक बृहद प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश रैली से नाम दिया गया है। जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा एक बृहद रैली आयोजित की जाएगी, साथ ही
एक सभा भी होगी और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। इस संबंध में आज दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा जानकारी दी गई। तो यहाँ आने वाली किस तरह का आक्रोश आप व्यक्त करेंगे, किन समस्याओं को लेकर ये पूरी रैली? देखिए, जन आक्रोश रैली जो है जिला कांग्रेस के तत्वाधान में आम जनता की रैली है। आम जनता काफी समय से पीड़ित है, जब से ये भाजपा की सरकार है। कुटीर समय पे नहीं मिल रही, पैसा समय पे नहीं डल रहा, राशन वितरण प्रणाली बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई है, अभी तक सीटी स्क्रीन का कोई अता पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, मेडिकल कॉलेज का आज तक कब होगा, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। ऐसी कई समस्याएं, नगर पालिका से लेके समस्याएं हैं। नगर पालिका में पहले 1100-1200 रुपये में नल कनेक्शन हो रहे थे, अब बढ़ाकर राशि बढ़ा दी गई 2500 रुपया 3600 रुपया। और जिनके पहले कनेक्शन हुए, जिन्होंने राशि भी जमा कर दी, आज तक उसमें पानी नहीं है, केवल हवा घूम रही है। और भी समस्याएं संविदा शिक्षकों की, युवक बिल्कुल बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे हमने जन समस्याओं की कई मुद्दे बनाए, उनको लेकर जनता खुद हम लोगों के पास आ रही है और जनता को लेकर हम लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। उसमें हमारे सम्माननीय विधायक महोदय लोग भी आ रहे हैं, जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, कल्पना वर्मा विधायक रेगांव से जो अभी जीती है वो आ रही है, नाती राजा आ रहे हैं, हर्ष यादव जी आ रहे हैं, आपके बंडा विधायक आ रहे हैं, ऐसे लखन धनगोरिया जी आ रहे हैं। तो अब तो जन समस्या को लेकर कलेक्टर का घेराव इसलिए हो रहा है कलेक्ट्रेट का, अब उनको समस्याओं को सुनना पड़ेगा और जनता अपनी बात को रखने के लिए इकट्ठी हो रही है। क्या अनुमान है आपको, कितने लोग आएंगे, किस तरह से? जैसा कि लोगों के फोन आ रहे हैं, काफी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। संजय सरवरी, लखीड़ी सी न्यूज, दबाव। संत आशाराम बाबू आश्रम में मातृपितृ पूजन का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। खास बात यह कि आज के दिन यहाँ वैलेंटाइन डे पर मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, जहाँ संतान अपने माता पिता का पूजन करती है, आरती उतारती है, तिलक लगाती है, उनका आशीर्वाद लेती है और जीवन भर सेवा करने का संकल्प भी लेती है। इस तरह से आयोजन हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत श्री आशाराम जी भगवान ने 15 वर्ष पूर्व 2006 में, 16 वर्ष है, एक ऐसी तिथि, एक ऐसे दिन का शुभारंभ किया जिससे हम भूली हुई अपनी संस्कृति को प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता, जो हम भूल गए थे अपनी संस्कृति को, उन्होंने अपनी करुणा कृपा से हम सभी पर कृपा करके इस तिथि को हमें दिया। तो आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं उस पवन पावन पुण्य तिथि माता पिता और पूजन माता पिता के पूजन करने के लिए अपने गुरुजनों का सम्मान। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज। विश्व परिषद की दुर्गा बहानी की बहनों के द्वारा वृद्धाश्रम में जाकर वैलेंटाइन डे मनाया गया। इनका कहना है कि पश्चिमी संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर हावी नहीं होने दिया जाएगा, लगातार वे समाज में ऐसे कार्य करेंगी ताकि लोग समझ सकें कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार क्या रहे। सामाजिक नैतिक मूल्यों को निभाते हुए इनके द्वारा वृद्धों के बीच जाकर आज वैलेंटाइन डे मनाया गया। क्या किया?
जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से जिला संयुक्त कपिटी बन हूँ। हम लोग यहाँ पर वृद्धाश्रम इसलिए आए हैं क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर का जो प्रोग्राम है वैलेंटाइन डे, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है। तो संस्कृति को बचाने के लिए हम अपने मातृ पितृ दिवस के रूप में से मनाना स्टार्ट किया है, जिसके लिए हम वृद्धाश्रम आए हैं। और यहाँ देख कर पता चला कि उनका परिवार होते हुए भी वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जिससे उनको वृद्धाश्रम में आकर रहना पड़ता है। परिवार से दूर रहते हुए बहुत दुखी होते हैं। तो बस यही निवेदन करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें और वैलेंटाइन डे के पीछे ना भागें, और सम्मान करते हुए अपने माता पिता को प्यार दें। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ तपो। हटा विधायक पीएल तंतवाय के विरोध में युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा ग्रामीण अंचल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा यह धरना दिया गया। युवाओं का यह भी कहना है कि 2018 में चुनाव हुए थे, 2022 आ गया, लेकिन विधायक के द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, विधायक का ध्यान उनकी ओर आ सके इसी के चलते उनके द्वारा धरना दिया गया। विधायक भी यहाँ पहुँचे, जिनका कहना है कि कोई पूर्व सूचना इनके द्वारा नहीं दी गई थी, ना ही कोई संपर्क किया गया। 2018 में अटा विधानसभा का चुनाव हुआ था, आज 4 वर्ष हो गए 2022 में, लेकिन श्री विधायक जी की हमने शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी। विधायक जी आज तक कहीं गांव नहीं गए हैं, और जिस गांव में गए हैं तो वहां के लंबरदारों से मिल के आए हैं, कभी गरीब जनता के बीच में नहीं गए। हमने उनके उनको 25 से 30 जन समस्याएं बताई हैं, लेकिन उन समस्याओं को निराकरण करने में असमर्थ है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम मतदाता हैं, हम आपसे इस्तीफा की मांग करते हैं, और अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो हम लोग शीघ्र से शीघ्र हटा के मेन चौराहों पर उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच पाऊंगी, कौशलपुर की सड़क है रनेश से, तो हिम्मत नहीं पड़ी तहसीलदार की, ज्ञापन रखी किया जी, बिल्कुल पड़ी थी बाबू जी, ज्ञापन देने की, ज्ञापन दिया था हम लोगों ने। आप बाबू जी हमारे क्षेत्र के जनसत्ता बोली आपने, कल बोली ट्रांसफार्मर की, बमरिया से हमें दो तो हमने उठा के MP भी खिलाना बोली, ठीक है तो बमरिया को रखो जाए। एक बाद अभी तक ऑफिस में अभी की हिम्मत नहीं पड़ चार कदम में, जब तुम ऐसे हो के चार कदम पे हमें होते अभी की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही बाबू जी, बहाने बना रहे ना आप लोग, तो नहीं बिल्कुल नहीं बहाने बना रहे बाबू जी, चार कदम पे हम उधर बैठे समस्या लिखे बाबू जी, आप समस्या के बारे तो सड़क पे हो, 4 साल हो गए, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं आप, एक भी समस्या की कोई जानकारी नहीं हमें मालूम हुआ, ऑफिस में बात कर नहीं आते, कुछ बात नहीं करते, राजनीति करके सड़क पर धरना प्रदर्शन करते, तो उसके लिए अपन क्या बता सकते, कुछ समस्या हो ऑफिस में आए कागज दिखाए बात करा तो उसके संबंध में, ये लोग जो समस्याएं बता रहे हैं उनके लिए अब झूठ बोल के समस्या बता रहे, उन्होंने झूठ बोला कि DFO ने कहा कि विधायक का घेराव करो, अभी आप सभी के सामने बात करवाई तो DFO बोल रहा है हमने कुछ नहीं बोला, तो ऐसी झूठ की राजनीति कर रहे हैं इन लोगों से क्या बात की जाए, समस्या है निश्चित रूप से, उसका अपन प्रयास कर रहे हैं हल करने के लिए। तो जी तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब आपके ऑफिस में आके ये समस्या बताएं आपको? कोई भी समस्या का हल ऑफिस में होती है, सड़क पर धरना में नहीं होते, पहले कोई आ बात करो बताओ क्या समस्या है, उसके बाद आगे की बात है। मतलब इनने आपको कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में? कोई जानकारी नहीं है अपने पास, ना धरना की है ना उसकी, उधर हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं तो बात करने चले आए। अच्छा, बहरहाल देखने लायक होगा ग्रामीणों की समस्या कब तक हल होती है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमो सागर बाईपास पर कृष्णा हाइट नाम की एक कॉलोनी बन रही है, जहां मजदूरों से मारपीट की गई, मालिक के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं मारपीट के। बताया जाता है कि चोरी के शक में ये मारपीट की गई है। दमो देहात थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है मजदूर का, आइए हम आपको सुनाते हैं। महेंद्र शर्मा, क्या हो गया आपको? काम करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर का, फिर क्या हुआ? सेठ जी ने अपने किसी बगल में किसी को घर में चोरी हो गई, तो वो हम लोग का बुला के पूछे, तो हम लोग पूछते पूछते मरने लगे, तुम लोग बताओ, हम लोग वो काम किए भी नहीं, तो फिर जबरदस्ती मारा, चोरी का आरोप लगा के मारा। हाँ। किसने मारा? हम लोग का गार्ड वार्ड सब थे और ड्राइवर थे, 3-4 आदमी थे, हम लोग पूरा 4-5 आदमी मिल के मारे। क्या नाम है उनका? हाँ, जिनने मारा है
एक को विराट नाम था और एक को मोनो नाम था और बाकी दो एक ड्राइवर थे और बाकी लोग गार्ड थे। कहाँ पे हुआ ये? कृष्णा हाइट्स में। पांच लोगों ने मारा आपको, किस किस को मारा? हम लोग नौ आदमी थे। नौ आदमी सभी को मारा। चोरी किसके यहाँ हुई थी? चोरी बगल में पता नहीं किसके घर में हुआ था। और उन लोग बोल रहे हैं कि इन लोग यहीं रहते हैं तो इन लोग ही के काम। हम लोग का ढेर दिन हो गया है हुए तो ऐसा काम करने थोड़ी आए, हम लोग गरीब आदमी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। नाम क्या बताया आपने? महेंद्र शर्मा। और भैया जो साथ में है उनका? सुकुल नाम है, सिपुल एक का नाम है, एक का संजय कटिंग पे। चार लोगों को मारा और पांच जने प्रिंटर में है। कुल कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? नौ आदमियों के साथ। काफी बड़ा मामला सामने आया जहां कॉलोनाइजर के द्वारा चोरी के शक में मजदूरों से मारपीट की गई है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के मलैया मिल फाटक के समीप एक हादसा हुआ जहां एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया जिसके चलते उसका पैर कट गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। घटना कैसे घटी इस बात की जानकारी किसी को नहीं बताया जाता है कि चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास युवक के द्वारा किया जा रहा था, इसी बीच में घटना का शिकार हो गया। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज। वैलेंटाइन डे का हिंदुवादी संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। दमोह नगर के प्रमुख स्थानों पर जाकर प्रेमी जोड़ों की तलाश भी की गई। दमोह के साईं बाबा मंदिर के समीप एक प्रेमी जोड़ा नजर आया। हालांकि हिंदुवादी संगठनों के द्वारा काफी गंभीरता दिखाई गई, समझाइश देकर प्रेमी जोड़े को यहां से घर पहुंचाया गया। हाँ, हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष पाश्चात्य संस्कृति का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ना तो कभी इस टाइप के कुछ कृत्य नहीं किए जाते इस टाइप के, और हम लोग धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करने के लिए ही आते हैं। इन लोगों ने जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों को बदनाम करके रख दिया है और हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति जो है, उसको कलंकित करने का काम ये युवा पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है अभी की, ये जो है वो गंदा करने का काम करती है। तो हम लोगों को का जो है इसमें बहुत हस्तक्षेप भी होता है और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की संस्कृति ना अपनाई जाए। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज। एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कुछ बात विवाद है जिसके बाद ये घटना घटी है। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। क्या हुआ है? क्या पी लिया? कौन सी दवाई पता है? क्या नाम है उनका? आपका? आपकी कौन है? कहाँ की बात है? कौन सा गांव लगता? पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज। दबाव। नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा दमोह के कीर्ति स्तंभ पर वाहन चेकिंग की गई। बाइक पर तीन सवार लोगों को रोका गया, उनकी चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाहनों के कागजों की भी चेकिंग की गई। चल रही है यहाँ पे
ये यातायात संबंधी कार्रवाई चल रही है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं। जो वाहन चालक होते हैं, दो पहिया चार पहिया वाहन चालक, जिनको जिनके पास वैध कागजात नहीं होते हैं, उनके विरुद्ध जो है MBA की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है और उन्हें नसीहत दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए। सर कितने तक का चालान काटते हैं? नहीं, ये ऐसा कोई सीमा नहीं होती है। जो उनके पास अगर वैध कागजात नहीं होते हैं या फिर हेलमेट अगर उन्होंने नहीं पहना है या दोपहिया वाहन में तीन सवारी अगर उन्होंने बिठाल रखी है, तो उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत MBA की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अर्शद बंटी पठान, LKDCN न्यूज, दबाव। दमोह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर आज चांदमारी आयोजित की गई। दमोह के किशन तलैया के समीप आरक्षकों के द्वारा फायरिंग की गई और देखा गया कि किस तरह से उनका निशाना है। अर्शद बंटी पठान, LKDCN न्यूज। मां बड़ी देवी दरबार में स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। आज इसका विधिवत समापन भी हुआ। पूरे मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। हम आपको बता दें कि नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय, बीरू राय एवं शिवम राय के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज। दमोनार के जलपुर नाके के समीप शक्ति नगर में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। द्वितीय दिन की कथा में कथा व्यास स्वामी श्री सर्वानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि श्रीमद भागवत महापुराण ग्रंथ की एक विलक्षणता है कि हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। संसार में बहुत कुछ विकास हो गया, बहुत खोजा जा चुका है, बहुत कुछ हम जान गए हैं, किंतु इस विकास मार्ग में जीवन जीने की कला भूलते जा रहे हैं। ये जो समष्टि सृष्टि है, जिसकी रचना का काम ब्रह्मा जी करते हैं, वैसे जो वृष्टि सृष्टि है, अपनी सृष्टि, उसके ब्रह्मा भी हम ही हैं। ब्रह्मा के चार मुख हैं, हमारे भी मन बुद्धि चित्त और अहंकार के चार मुख ही हैं। थोड़ी देर के लिए आप यह चिंतन करें कि हम ब्रह्मा हैं, और यह संदेश भगवान हमारे लिए ही दे रहे हैं। इस संदेश को श्रवण करने के बाद आप एकांत में मनन भी कीजिएगा और निधिध्यासन भी कीजिएगा। संसार में राग द्वेष को मिटाने के लिए, अभाव के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जीव के स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए, इससे दिव्य संदेश कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बहुत अल्प शब्दों में यह दिव्य संदेश श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दिया है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरी, LKDCN न्यूज, दबाव। गरा कोटा में ख्वाजा गरीब नवाज की शान में निकाली गई संदली चादर, जो जुमा कोटा मस्जिद से चादर उठाई गई और नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए हजरत दूल्हा सैयद किले वाला बाबा के यहाँ पहुंची। संदली चादर शहर मुस्लिम कमेटी के द्वारा निकाली गई।
सर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक चल रहा है। इस अवसर पर हर साल के मुताबिक इस साल भी हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की सनली चादर बड़ी धूमधाम से निकाली और पुलवामा में हुए शहीदों की याद में हम लोग यह चादर निकाली है और कहा कि सनली चादर कोटा जुम्मा मस्जिद से उठाई गई, नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते ही हज़रत दूल्हा सैयद की दरगाह पहुंचेगी, फिर वहां से सनली चादर अजमेर शरीफ भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में काफ़ी तादाद में सभी समाजों के लोग शामिल हुए। सर मुस्लिम कमेटी द्वारा संदल चादर नकारी गई, इसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे? पिछले 3-4 सालों से सर मुस्लिम कमेटी जड़ा बूटा चादर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में और पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत की याद में ये चादर निकाली जाती है और बड़े ही लगन से मेहनत से सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। शहर मुस्लिम कमेटी के सभी सदस्य एवं नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला गांव के नजदीक बेला झागरी में 20 दिवसीय चल रहा क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मैच तूफान गंगा क्रिकेट क्लब एवं लुकायन क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया। लुकायन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 230 रनों का लक्ष्य फुटेरा क्रिकेट क्लब को दिया, जबकि जवाब में उतरी फुटेरा तूफान गंगा क्रिकेट क्लब 13 ओवर में 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह से लुकायन क्रिकेट क्लब ने इस प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया। मैन ऑफ द मैच ऋषभ जैन को दिया गया। विजेता उपविजेता टीम को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राव ब्रजेंद्र सिंह, राजा वीर चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी, पूर्व विधायक लखन पटेल, लोकपाल सिंह, संजय नामदेव, नितिन राय, लकी विधवा, ब्रजेश तिवारी, उमेश सहित गांव के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति रही। लेकिन मैच चलता रहता, कोई एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, जीत में हार ना लगा रहता, लेकिन बड़ी बात होती है फाइनल में पहुंचना। फाइनल में पहुंचने के लिए मैं फुटेरा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं फुटेरा टीम से कहना चाहता हूं, जो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या हार में क्या जीत में कर्तव्य पथ पर जो मेरा ये भी सही होगी सही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Come on, 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 come on
राशि और नगद इनामत की राशि इनको भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिसाव कुछ हो जाए, आइए रिसाव भाई। सबसे पहले तो हम फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। जल्द जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पड़ोसियों में विवाद, तीन पर जानलेवा हमला। कार चालक की दबंगई को कुचला, युवक को मारी टक्कर। वैलेंटाइन डे का विरोध किया हिंदूवादी संगठनों ने। हटा विधायक के विरोध में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।